महाराष्ट्र विधिमंडल शीत सत्र के आखिरी दिन विपक्ष द्वारा विधान भवन के सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां किसी भी घटक के प्रश्न नहीं जूझे यह आरोप लगाते हुए विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर यह विरोध प्रदर्शन किया। इस समय महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर हाथों में काली पट्टी बांधते हुए सरकार का विरोध किया। इस वक्त पूर्व मंत्री अनिल देशमुख समेत बाला साहेब थोरात, विधायक रोहित पवार आदि महाविकास आघाड़ी के विधायक मौजूद थे, जहां मौजूदों ने जबरदस्त नारेबाजी कर सरकार का निषेध जाहिर किया। गौरतलब है कि शीत सत्र के दौरान उठे मराठा आरक्षण किसान और पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने नाराजगी जताई, जहां इन मुद्दे पर सरकार ने कोई भी हल नहीं निकाला। ये आरोपी विपक्ष ने सरकार पर नारेबाजी के माध्यम से किया, तो वहीं लोकसभा में हुए सांसद निलंबन के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।